तो नमस्कार दोस्तों, अगेन एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपका लॉजिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हो सकता है ये वीडियो आपका लाइफ भी बदल सकता है कि कैसे सही एंट्री और एग्जिट लिया जाता है और कैसे आप बड़ा प्रॉफिट तक आप वेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अपना लेवल निकाल देता हूँ, बैंक निफ्टी में आ जाता है 15 मिनट में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं लेवल कैसे निकाला था। ठीक है, सिंपल तरीका है। आप यहाँ पर आप देख सकते हो, छोटा कर दिया मैं कि मैं ऐसे बैंक निफ्टी के लेवल निकाला था। सिंपल तरीका, कुछ ख़ास नहीं है, और निफ्टी का भी मैं बताऊँगा। तो आ जाते हैं हम लोग 5 मिनट में। 5 मिनट में बताएंगे कहाँ एंट्री और एग्जिट क्यों लिया था। यहाँ पर देखिए नए नियम के इंडिकेटर लगाया हूँ। तो मैं कहाँ एंट्री और एग्जिट लिया था, मार्केट गैप अप, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड तो यहाँ पर बनता था, यहाँ पे जब इसको ब्रेक किया तो एक ट्रेड बनता था, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा था। तो यहाँ पर ट्रेड लेना हाईली रिस्की था। यहाँ पर हो सकता है मेरे अगेंस्ट ज़्यादा था, मेरा बड़ा ही लॉस हो सकता था। यहाँ पे देखिए मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 116 पॉइंट का, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 116-120 पॉइंट का होता, और टारगेट मेरा 1:2 भी मेरा टारगेट नहीं मिलता। तो यहाँ पर ट्रेड लेना हाईली रिस्की था। तो भाई इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं दे सकते, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लिए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मार्केट वहाँ से एक रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन तो बना हुआ है कि बगल में रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे ट्रेड हम नहीं लिए। लेकिन मेरा यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बन रहा है, आप ध्यान देना मेरा भाई, जिससे आपको सीख मिलेगा कि यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बना है। मैं ट्रेन लाइन में क्या बोला, तो कम से कम 2 बार टच होना चाहिए और तीसरा बार में ऊपर की तरफ तब ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन अगेन उसको ब्रेक ऊपर की तरफ नहीं किया तो नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो एक बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ मोमेंटम हो सकता है। तो तीसरा बार उसको टच करके मार्केट अगेन ऊपर गया, ऊपर से जाके मार्केट नीचे गिरा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इस ट्रेन लाइन को नीचे ब्रेक किया, एक बड़ा सा है मोमेंटम किया। और आपको ये बताऊँ कि मैं EMA स्ट्रेटजी के अंदर ही एक बहुत अच्छा EMA स्ट्रेटजी भी यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क किया है। कैसे कि मैं आपको क्या बोला था, EMA स्ट्रेटजी के अंदर कोई भी EMA के अंदर अंदर कैंडल क्लोज होना चाहिए। इस कैंडल को ब्रेक करता तो एक बड़ा ही मोमेंटम नीचे की तरफ हमको ट्रेड लेना है। तो देखिए EMA के अंदर ये कैंडल क्लोज किया है हैंगिंग मैन, जब ये दूसरी बात ये ट्रेन लाइन को भी ब्रेक किया है, तो यहाँ पर हम तुरंत यहाँ पे एंट्री लिए, एक बड़ा सा ही मोमेंटम मिला मुझे। अब बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा ये सपोर्ट तक मिला है और मैं सुरक्षित था। कब तक, जब EMA के नीचे जब तक ये ट्रेड चल रहा था, जब ये उसको ब्रेक किया तो यहाँ से हम एग्जिट हो गए। तो यहाँ पर भी हम, यहाँ पर हम एग्जिट हो गए जहाँ पर यहाँ कैंडल बना, तो यहाँ पर हम एग्जिट हो गए। फिर मार्केट यहाँ पर साइड पे चलने लगा। मार्केट ट्रेंड लाइन बनाया, जब भी मार्केट ऊपर चला गया तो यहाँ पे अगेन एक ट्रेंड लाइन बना। एक बार एक थर्ड वाले देखो उसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर तो गया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। लेकिन यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते हैं, जब भी इसको अगर नीचे ब्रेक भी किया तो हम एंट्री यहाँ पर मेरा नहीं बनता है। कैसे कि बगल में सपोर्ट है तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते हैं। हम एंट्री कब ले सकते, जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा एंट्री बना। क्यों, रीज़न आपको बोले थे कि अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो यहाँ पर हमको रिटेस्ट का इंतज़ार करना है। लेकिन यहाँ पर मैं रिटेस्ट का इंतज़ार क्यों नहीं किया, रीजन मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे मेरा EMA के अंदर ये कैंडल क्लोज किया। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा डोजी जैसा कैंडल है, ये क्लोज किया है। तो मेरे दो दो क्रिटेरिया है एंट्री लेने का, और दूसरी बात इसके अंदर ही ट्रेड चल रहा था। जब भी इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारा एंट्री लिया। अब मैं सुरक्षित कब तक रहा, जब तक मैं ट्रेड मिला, जब तक इसके EMA के अंदर मार्केट ट्रेड चल रहा है, EMA के अंदर ट्रेड चल रहा है, तब तक मैं सुरक्षित हूँ। जब इसको यहाँ पर ऊपर में क्लोज किया तो वहाँ पर मेरा एग्जिट बनता है। लेकिन मेरा एग्जिट मैं यहीं पे ले लिया कि भाई यहाँ पर टारगेट बहुत ही बड़ा था। क्यों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनाया है, हैमर कैंडल बनाया, तो यहीं पे मैं एग्जिट लिया। जब इसको टच किया तो यहीं पे एग्जिट लिया। लेकिन देखिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करता है। रीज़न क्या है कि आपको वेट करवाता है कि आपको जब तक EMA के अंदर नीचे का तब ट्रेड चलता है, तब तक आप बिल्कुल भी सुरक्षित हो और ट्रेड में आप बने रहो लंबा ट्रेड तक। हाँ, जब भी EMA को ऊपर, EMA के ऊपर जब भी कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो वहाँ पे आप तुरंत एग्जिट हो सकते हो और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट 1:4 यहाँ पे प्राप्त हुआ है। यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर था ऑलमोस्ट 55 पॉइंट का। देखिए टारगेट कितना मिला है,
ऑलमोस्ट 375 पॉइंट का 1:1:7 रेशियो यहाँ पे अचीव हुआ है। ये चीज़ बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मैं जब से इसको फॉलो करता है। लेकिन मैं देखो हमेशा EMA पे डिपेंड नहीं रहता हूँ, इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं रहता हूँ मैं। टेल लाइन, सपोर्ट लाइन, कैंडल, हर वो चीज़ देखता हूँ, फिर यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। उसी पर काम आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी में सेम सिचुएशन था कि बहुत ही अच्छा ट्रेड निफ्टी में भी मिला। यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी में, देखिए। हाँ, मार्केट इसमें भी गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए नीचे में एक सपोर्ट, ये सपोर्ट जोन है, नीचे गैप अप तो ओपन हुआ मार्केट, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि ऑलरेडी इतना गैप अप बन गया। तो यहाँ पर नीचे की तरफ हम ट्रेड कैसे लेंगे? देखिए यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी में ऑलमोस्ट हम 54 पॉइंट के स्टॉप लॉस निफ्टी में दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बनता है। अगेन यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन बनता है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना है, यहाँ पर ध्यान देना आप। यहाँ पर जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, एक एंट्री यहाँ पर स्कैल्पिंग बेस पर एक एंट्री यहाँ पर बनता है। रीजन में बता रहा हूँ क्यों, कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पर एंट्री क्यों बनता है मैं आपको ये बताऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं सॉरी यहाँ पे मैं 50 EMA का यूज़ करता हूँ निफ्टी में। यहाँ पे देखिए मैं देखो मैं इंडिकेटर को बस एक इंडिकेट कॉन्फर्मेशन के लिए मैं यूज करता हूँ, लेकिन वो अच्छा वर्क करता है, फुल डिपेंड नहीं रहता हूँ इंडिकेटर पर। तो जब भी इसको देखिए सबसे पहले EMA के अंदर एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो EMA के अंदर एक कैंडल क्लोज किया। जब भी इसको ब्रेक किया तो स्कैल्पिंग बेस पे एक बहुत ही ज़बरदस्त 7 से 8 पॉइंट मिला, बहुत ही अच्छा मिला, और मैं निकल भी गया कि स्कैल्पिंग। ज़्यादातर निफ्टी में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। मार्केट फिर अगेन साइडवे रहा, फिर अगेन यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइड पे रहता तो फिर यहाँ पर ट्रेड तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का, ट्रेड आप कब लेते? जब इसको ब्रेक करता तब हम ट्रेड लेते, इसको ब्रेक करता तो हम ट्रेड यहाँ पे लेते। तो सेम ऐसा ही हुआ, तो हमारा ट्रेड तो यही, ये स्ट्रेटजी की इंडिकेटर के हिसाब से मेरा ट्रेड तो यहीं पे बनता है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक इसको ब्रेक नहीं किया तब तक यहाँ पर हम ट्रेड लेते। तो यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बना है और यहाँ पे हम ट्रेड लिए। मेरा स्टॉप लॉस जस्ट ये था, और देखिए हमारा टारगेट यहाँ तक है। मतलब जब तक EMA के अंदर ट्रेड चल रहा है तो हम बिल्कुल ही सुरक्षित है और बैठे रहेंगे। जब भी उसके ऊपर क्लोज करता है एक कोई एक कैंडल, तो वहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हो एक कैंडल, और उसके बाद सेकेंड कैंडल क्लोज करता है तो वहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हो। तो ये ज़बरदस्त, ये इंडिकेटर लगाने से मेरा ये फ़ायदा है कि ये ट्रेडिंग को होल्ड करना सिखाता है मुझे, कि भाई तुम ट्रेडिंग में होल्ड रहो, मैं तब तुम्हारा साथ हूँ, लेकिन कब एग्जिट हो जाना है ये भी मैं आपको तुमको बता दूंगा। तो खुद इंडिकेटर बता भी देता है कि भाई तुमको कब एग्जिट होना है। जब भी इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है और नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करता है तो वहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का लॉजिक। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा भी सीख मिले। जरूर लाइक एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।